खबर पवई से है, जहां निर्माणाधीन जेके प्लांट प्रबंधन के खिलाफ भड़का ग्रामीणों में आक्रोश। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को खदेड़ा। पन्ना जिले सिमरिया क्षेत्र में निर्माणाधीन जेके प्लांट के लिए भू अधिग्रहण के एक मामले में पन्ना जिले की चार थानों की पुलिस, दो एसडीओपी, दो तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, 20 कोठवा, 30 एवं आधे सैकड़े से ज्यादा जेके सीमेंट कामला सहित 7 जेसीबी मशीनें बिना किसी सूचना के ग्राम बोदा पहुंची, जहां पर गांव के बूढ़े बच्चे महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया तथा जनता के सामने जेके सीमेंट सहित प्रशासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जेके सीमेंट के खिलाफ जनाक्रोश अब और तेजी से होता जा रहा है। जेके सीमेंट अब बोदा ग्राम जन समुदाय के लिए गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने कहा जी, हमने दलालन के लिए 247 कायम की और इसमें कोई तुम्हें डरने की बात नहीं है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे, चौपाल लगाएंगे, तुम्हारे ग्राम में आएंगे। इसके बाद उनने 247 की कार्रवाई करके 358,000 लगभग थी, हमें इतना तो ध्यान नहीं है, उनने चेक बना दिए 22 लोगों के। तो जब उनने चेक बना दिए, हम लोगों को मालूम नहीं, तो हम लोग कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे, वो तहसीलदार मैडम के पास इधर वे चेक वितरण करती हैं, तो हम लोगों को ना चेक स्वीकार है, ना जमीन स्वीकार देना है, वे फ्री में ले लें तो हम लोग देंगे, ना तो अपनी आत्मदाह करेंगे अपने खेतों में। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन? तो भाई, जमीन देने के लिए हम तैयार हैं, उचित मुआवजा दें। जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर वे जबरदस्ती करते हैं तो हम खेत में नहीं चलेगी और अपने आत्मदाह कर देंगे। और प्रशासन से जो निवेदन है कि जनता पार्टी का शासन हो या कांग्रेस का हो, किसान तो सबके हैं। तो क्या शासन के कार्य जो जेके सीमेंट की ये तानाशाही है, सभी को विदित भी है, यहाँ से जिला प्रशासन को, शासन को, सब जानते हैं कि ये खेल क्या चल रहा है, लेकिन इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो देवरा में स्थित जेके सीमेंट कंपनी लग रही है, उसमें जो हमारा बोदा आता है और जो 7-8 गाँव आते हैं, तो पहले अभी उन्होंने टारगेट बोदा को बना लिया है। बोदा की जो जमीन है, ना किसानों से उन्होंने कोई बात की है, ना कुछ किया है। इसके पहले उन्होंने 1 माह पहले और नोटिस थमा दिए थे। तो हम उसी विषय में और कलेक्टर साहब के यहाँ पन्ना में सभी गांव वाले जिनको नोटिस थे, सब वहाँ पन्ना गए थे ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम। तो कलेक्टर साहब ने और किसानों के साथ छल किया है, धोखा किया है। उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारी 247 धारा हटा दी जाएगी, किसानों की जमीन नहीं हड़पी जाएगी, और ऐसा आश्वासन दे दिया था। तो हम लोग वहां आके और घर में शांति से बैठ गए। हमको ये लगा था कि कलेक्टर साहब ने हमारा साथ दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब ने मिलकर और कंपनी वालों के साथ और ये जो किसानों के साथ छल किया है, इसमें शासन प्रशासन सभी लिप्त हैं। और हमारे जो किसान बोदा के किसानों की जमीन है, जबरदस्ती छुड़ा रहे हैं, हड़प रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के तहत धमकी दी जा रही है। तो छोटे छोटे आज हमारे जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और माताएं हैं, बहनें हैं, गाँव के सभी बुजुर्ग, सभी की जमीन जा रही है। भाई किसान है, और यदि जमीन नहीं रहेगी तो इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्या खा लेंगे। तो क्या है कि आज सभी गांव वालों ने ये सोचा है कि जेके सीमेंट के खिलाफ जो ये तानाशाही जेके सीमेंट की चल रही है, और अभी क्या हुआ है कि जबरदस्ती चेकें थमा दी हैं कि तुम्हारी जमीन इतने की है और दस्तखत कर दो, इस प्रकार के हो रहे हैं। कहीं चौकीदार से तो कहीं पटवारी से, कहीं वकील से इस प्रकार के, और कहीं चेकें दी जा रही हैं जबरदस्ती की, दस्तखत कर दो, कहीं कुछ कर दो। किसी ने कुछ किया नहीं है, हम जमीन नहीं देंगे। जब तक जेके सीमेंट हमारी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देगी, तब तक हम कोई जमीन नहीं देंगे, कोई किसान नहीं देंगे। हम सभी किसान एकता में है, एकजुट हैं। और यदि कुछ होता है, यदि जेके सीमेंट हमारी बात नहीं मानती है, शासन प्रशासन यदि हमारी बात नहीं मानती है, तो आगे चल के हम सभी 10 गांव के लोग और हमारे ग्राम बोदा की भूमि का अधिग्रहण जो है जेके सीमेंट फैक्ट्री के लिए किया गया है, उसको मौके पे भू प्रवेश दिलाने के लिए, कब्जा दिलाने के संबंध में हम लोग जो है मौके पे गए थे। उसमें हमारे एसडीओपी साहब और हम जो है हमारे तहसीलदार और ज़िले से आए हुए अधिकारी, ये सभी लोग जो है वहाँ मौके पे गए थे। वहाँ जो किसान था जिसकी ज़मीन जा रही थी मुख्य रूप से, ये सुदर्शन पटेल जी, उनको हमने वहाँ पर बुलाया, आहूत किया, और जब वो नहीं आए तो फिर हमने कोटवार को वहाँ भेजा, तो वो घर पे नहीं मिले। इसके पश्चात फिर कोटवार ने जो है फ़ोन पर बात करी उनके परिवार वालों से, उनसे तो उन्होंने कहा कि भाई हम भूमि के मौके पर नहीं आएँगे,
और अभी आने में असमर्थ हैं, ऐसा कहकर उन्होंने टालम टोल करी। इसके पश्चात हमने काफी देर रास्ता देखा उनका कि आज कैसे सुलझेगा सर मामला। ये एक्चुअल क्या है कि जो कंपनी है उसके पक्ष में जो है 247 के तहत भूमि का अधिग्रहण हुआ है और किसान मुआवजा चाहते हैं तो मुआवजा उनको दिया जा रहा है। जो हमारे यहाँ की गाइडलाइन है ग्राम बोधा की, उस गाइडलाइन से कई गुना उनको मुआवजा जो है वो जेके सीमेंट फैक्ट्री जो है वो देने को तैयार है। और करीब 11 लाख रुपए प्रति एकड़ के मान से किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। वहाँ कुछ किसान थे मौके पे जो विरोध कर रहे थे, तो उनने कहा कि भाई हमको कम से कम 4-5 लाख रुपए एकड़ का चाहिए, तो फिर हमने उनको समझाया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।